श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि काल भैरव ने ब्रह्मा जी का पांचवां शिश क्यों काटा था। शिव की क्रोधाग्नि का विग्रह रूप कहे जाने वाले काल भैरव का अवतरण मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इनकी पूजा से घर में नकारात्मक ऊर्जा, जादू टोने, भूत प्रेत आदि का भय नहीं रहता है। काल भैरव का प्राकट्य किन निम्न तथा स्कंद पुराण की काशी खंड के 31वें भाग के अध्याय में मिलता है। कथा के अनुसार एक बार देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु जी से बारी बारी से पूछा कि जगत में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो स्वाभाविक ही है कि उन्होंने अपने को श्रेष्ठ बताया। देवताओं ने वेद शास्त्रों से पूछा तो उत्तर आया कि जिनके भीतर चराचर जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ हो, अनादि अनंत और अविनाशी तो भगवान रुद्र ही है। वेद शास्त्रों में शिव के बारे में यह सब सुनकर ब्रह्मा ने अपने पांचवें मुख से शिव के बारे में भला बुरा कहा। इससे वेद दुखी हुए। इसी समय एक दिव्य ज्योति के रूप में भगवान रुद्र प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा कि हे रुद्र, तुम मेरे ही सिर से पैदा हुए हो। अधिक रुदन करने के कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा है, अतः तुम मेरी सेवा में आ जाओ। ब्रह्मा के इस आचरण पर शिव को भयानक क्रोध आया और उन्हें भैरव को उत्पन्न करके कहा कि तुम ब्रह्मा पर शासन करो। उस दिव्य शक्ति संपन्न भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहने वाले ब्रह्मा के पांचवें सर को ही काट दिया। शिव के कहने पर भैरव काशी प्रस्थान किए, जहां ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। रुद्र ने इन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया। आज भी ये काशी के कोतवाल के रूप में पूजे जाते हैं। इनका दर्शन किए बगैर विश्वनाथ का दर्शन अधूरा है। अभी भगवान काल भैरव से जुड़े कुछ तथ्य मैं आपको बता देता हूं। काल भैरव भगवान शिव का अत्यंत ही उग्र और तेजस्वी स्वरूप है। सभी प्रकार के पूजन हवन प्रयोग में रक्षात इनका पूजन होता है। ब्रह्मा का पांचवा शिष्य खंडन भैरव ने ही किया था। इन्हें काशी का कोतवाल माना जाता है। काल भैरव का मंत्र और साधना मैं आपको बता देता हूं। मंत्र है ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट। साधनी की जो विधि है तो काले रंग का वस्त्र पहनकर तथा काले रंग का आसन बिछाकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें और उपरोक्त मंत्र का 108 दफा रात्रि में जाप करें, जो मैंने आपको ऊपर बताया। और इसका जो लाभ है, इस साधना से भय का विनाश होता है खास करके, बाकी जो आपकी मनोकामना पूरी होती है वो तो होती ही है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।